गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टाइपोग्राफी स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं चैप्टर 3 में, दैट इज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आज स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस कवर की थी, पेन ड्राइव तक हम कवर कर चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने कल लेक्चर अटेंड नहीं किया था, वो YouTube लेक्चर जो मैंने सेंड किया है उसको लिंक को विजिट करके आप कल वाला लेक्चर अपना कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर टॉपिक इज इनपुट डिवाइसेस। एन इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है हमारी वो कॉमन इनपुट डिवाइस है। आप सभी को पता है कि हर सिस्टम के साथ, हर स्मार्टफोन के साथ, हर लैपटॉप के साथ हमें कीबोर्ड की इनिशियली रिक्वायरमेंट होती है। डेटा एंट्री जब हम करते हैं तो वो कीबोर्ड के साथ ही डेटा एंट्री हमारी होती है। द अदर इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल आर, और कुछ भी इनपुट डिवाइस और कुछ और इनपुट डिवाइसेस जो है वो माउस भी है। देखिए, माउस भी हमारी कॉमन इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी हमारी कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस है। इसके साथ साथ और भी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम यूज करते हैं, लाइक जॉयस्टिक है, स्कैनर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसको रीडर भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इंक कार्ड, ये जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है इसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे रीडर भी कह सकते हैं। इसी तरह से ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी कह सकते हैं और रिकॉग्निशन भी कह सकते हैं। साथ में माइक्रोफोन भी हमारे इनपुट डिवाइस है। तो फर्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारी कीबोर्ड। स्टूडेंट्स, एक चीज आप देखिए, जो आप इस चैप्टर में इनपुट आउटपुट डिवाइस करेंगे और जो स्टोरेज डिवाइसेस आप कर चुके हैं, ये बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप 10th तक प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं और बहुत ही इजी हैं। अगर आप इनको एक बार रीड भी करते हैं तो आप इनको बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको समझ नहीं आएंगे या समझ नहीं आ रहे हैं, आप बहुत इजीली इनको कर सकते हैं। तो देखिए, कीबोर्ड, कीबोर्ड इज अ टाइपराइटर लाइक डिवाइस। आप सभी को पता है कि टाइपराइटर का जो हमारा स्टैंडर्ड टाइपराइटर था उसमें भी कीज का फॉर्मेशन था, वो इसी तरह से था। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कीबोर्ड इज अ टाइपराइटर लाइक डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू टाइप द लेटर्स। ये लेटर्स को, नंबर्स को टाइप करने के लिए हमारा कीबोर्ड यूज किया जाता है, जिसपे लेटर्स भी होते हैं, डिजिट्स भी हैं और कुछ स्पेशल कमांड्स को यूज करने के लिए हमारे कुछ मॉडिफायर कीज भी होती है। आप सभी टाइपराइटर को पढ़ के आ चुके हैं कि टाइपराइटर में कौन कौन सी कीज होती है, तो आज मुझे ये चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती है। ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड होता है, आपको मैं बता चुकी हूँ चैप्टर 2 में कि न्यूमेरिक कीपैड की हम की रिक्वायरमेंट हमें कब होती है, कब हमें इसको ज्यादातर यूज करना चाहिए। ये हमारे अल्फाबेट्स हैं और ये हमारी होम रो होती है, ये सभी हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। और ये कंट्रोल आल्ट कीज हैं, शिफ्ट की हैं, ये मॉडिफायर कीज होती हैं हमारी। और जो फर्स्ट रो है हमारी, ये रो हमारी फंक्शनल कीज की होती है, F1 से F12 तक ये हमारी फंक्शनल कीज होती है, स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है ये कीज। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एरो का सेट है, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट मूव करना है कर्सर को, तो हम क्या कर सकते हैं, इन एरो कीज को भी यूज कर सकते हैं। बाकी कीबोर्ड का पूरा फॉर्मेट अगर आपको देखना है कौन कौन सी कीज होती हैं, आप चैप्टर 2 को एक बार गो थ्रू हो जाइए, आपको फिर से रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, द एडिशनल कीज आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस, ये भी हम पढ़ चुके हैं, सच एज लोडिंग अ प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को लोड करना है, एडिटिंग अ टेक्स्ट, टेक्स्ट को एडिट करना है, एटसेट्रा। तो ये हमारे कुछ एडिशनल कीज भी होते हैं इस तरह से फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। दे आर नोन एज फंक्शन कीज एंड वेरी इन नंबर फ्रॉम वन कीबोर्ड टू अनदर कीबोर्ड। देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ कीज होते हैं हमारे कीबोर्ड में वो वेरी करते हैं कीबोर्ड टू कीबोर्ड, हम कौन सा कीबोर्ड यूज कर रहे हैं उसमें कितने कीज हैं। अगर कोई और कंपनी का यूज करें तो उसमें नंबर ऑफ कीज जो है कुछ वेरी कर सकती है, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक माउस। माउस,
आप सभी को पता है माउस का यूज किस लिए होता है। माउस का यूज होता है हम पॉइंटर को मूव करते हैं। ये देखिए आप मूव करते हुए देख रहे हैं पॉइंटर को, तो ये माउस के थ्रू ही हमारा पॉइंटर जो है स्क्रीन पे मूव होता है। हम ऑप्शंस को सेलेक्ट कर पाते हैं इस माउस पॉइंटर की हेल्प से। द माउस इज पॉइंटिंग डिवाइस दैट अलाउज द यूजर टू पॉइंट अ स्पेसिफिक पोजिशन ऑन द स्क्रीन। अब ये जो माउस है ये क्या है, स्पेशल पॉइंटिंग डिवाइस है और स्क्रीन पे पॉइंट स्पेसिफिक पोजीशन उसको डिटेक्ट करना है तो हमारा माउस पॉइंटर हम यूज करते हैं। इट हैज अ रोलर ऑन इट्स बेस। इसके बेस पे क्या होता है, ये जो नीचे बेस होता है इस पे यहाँ पे एक रोलर लगा होता है। पुराने जो माउस होते थे ना उसमें एक छोटी सी बॉल लगी होती थी और सरफेस पे वो बॉल जो है मूव, जैसे जैसे वो बॉल मूव करती थी इसी तरह से हमारा पॉइंटर भी स्क्रीन पे हमें मूव होते हुए नजर आता था। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर्स ऑन द स्क्रीन। क्या पहले हमारी बॉल होती थी, वो बॉल के थ्रू हमारे बॉल के अंदर उस बॉल की हेल्प से क्या होता था, कुछ रोलर्स लगे होते थे फोर साइड्स में, लेफ्ट राइट बॉटम डाउन में, मतलब चार साइड्स में रोलर लगे होते थे। वो रोलर मूव होते थे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा माउस पॉइंटर भी मूव होता था। और आजकल जो है सरफेस पे सेंसर लगे होते हैं, सेंसर्स जो है स्क्रीन एरिया को कैप्चर करने के लिए यूज होते हैं। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। हमारे स्क्रीन पे पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए हमारा माउस ही यूज होता है। और व्हेन अ माउस मूव्स ऑन अ फ्लैट सर्फेस, जैसे ही देखिए हम माउस को फ्लैट सर्फेस पे मूव करते हैं तो द कर्सर ऑन द स्क्रीन also moves in the directions of mouse movement. जिस direction में हम mouse pointer को move करेंगे हमारा cursor भी screen पे उसी direction में move करेगा। अगर मैं इसको right ले जा रही हूँ तो right side move कर रहा है, अगर मैं इसको left side move कर रही हूँ तो left side move करेगा, और अगर mouse को मैं upward side में move करती हूँ तो ये upward side जाएगा mouse pointer, अगर मैं इसको bottom side में move करती हूँ तो ये bottom side में जाएगा। और किसकी help से हो रहा है, यहाँ पे sensor लगे होते हैं, sensors जो है screen एरिया को ये हमारे मूवमेंट्स को डायरेक्शंस को कैप्चर करते रहते हैं और उसी तरह से हमारा माउस भी जो है मूवमेंट करता रहता है। इट हैज टू थ्री बटन्स। अब देखिए माउस में ना टू थ्री बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट बटन ये वाला होता है और एक ये राइट बटन इस साइड होता है। लेफ्ट बटन को हम जनरली जो है क्लिक करने के लिए, डबल क्लिक करने के लिए, ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। राइट बटन है इसको हम स्पेशली प्रॉपर्टीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो आप मिड में देख रहे हैं ये है रोलर, ठीक है। ये व्हील है, ये क्या है, पेज को स्क्रॉल डाउन अप करने के लिए यूज होता है हमारा ये व्हील। तो ये हमारे माउस की फंक्शनिंग है। लेफ्ट बटन ऑफ द माउस इज यूज टू एग्जीक्यूट द ऑपरेशंस एसोसिएटेड विद इट, जो भी इसकी ऑपरेशंस हैं उनके साथ ये उनको एग्जीक्यूट करता है। राइट बटन मिडल बटन्स आर एसोसिएटेड विद स्पेशल ऑपरेशंस इन डिफरेंट सिचुएशंस। अभी आपको बताया है कि आपको ये ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, जैसे लेफ्ट बटन से आप लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक किसी प्रोग्राम को ओपन करना, डबल क्लिक से किसी चीज को किसी पॉइंटर आइकन को सेलेक्ट करना, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, वो लेफ्ट बटन की हेल्प से हम करेंगे। उसको होल्ड करके रखना है, उसको क्लिक करके छोड़ देना है, डिपेंड करता है ऑपरेशन पे। और इसी तरह से राइट बटन है, राइट बटन आपको ज्यादातर प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जॉयस्टिक्स का। आज हम ज्यादा टॉपिक्स तो इसमें कवर नहीं करेंगे, कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। चलिए एक टॉपिक और है, ये पेज कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा स्कैनर है, स्कैनर हम कल स्टार्ट करेंगे। तो जॉयस्टिक है, देखिए जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक इज अ रिमोट कंट्रोल डिवाइस। जिस तरह से हमारा रिमोट कंट्रोल में बटन्स होते हैं ना बेटा, उसी तरह से जॉयस्टिक में भी आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्शंस के इनको होल्ड करने के लिए बटन्स होते हैं। और जिस तरह से माउस होता है ना, माउस की मूवमेंट होती है, माउस को वैसे हम होल्ड करके रखते हैं, ये हमारा ये डिवाइस यहाँ से होल्ड की जाती है और इसको हम मूव करते हैं फ्लैट सर्फेस पे। ये गेमिंग्स वगैरह के लिए यूज होता है, गेम्स वगैरह प्ले करने के लिए, वीडियो गेम्स वगैरह होती हैं उनकी पोजीशन। जैसे आप क्या करते हैं, वीडियो गेम्स वगैरह में कभी लेफ्ट जाना होता है, कभी राइट जाना होता है, कभी अप कभी डाउन, इस तरह से डायरेक्शंस की मूवमेंट होती है, तो उसके लिए क्या है, ये हमारा जॉयस्टिक यूज होता है। दीज आर रिलेटिव लोकेटर्स एंड वेयर द डायरेक्शंस ऑफ पुश डिटरमाइंस द चेंज ऑफ पोजीशन एंड अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन डिटरमाइंस अ चेंज ऑफ स्पीड। अब देखिए जैसे जैसे आपकी आप इसमें ये देखिए यहाँ पे बटन्स लगे होते हैं, यहाँ बटन्स होते हैं लेफ्ट जाने के लिए, राइट जाने के लिए, अप एंड डाउन जाने के लिए। तो जैसे जैसे आप इनको यूज करते हैं अकॉर्डिंगली वो पोजीशन को डिटेक्ट करते हैं और वैसे ही आपकी डिवाइस जो है वर्क करती है गेम्स में।
ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा जॉयस्टिक, माउस और कीबोर्ड, ये हमने किया है। बस एक ही पेज करते हैं बेटा। टाइपोग्राफी वाले स्टूडेंट्स, आप बहुत थोड़ा थोड़ा सिलेबस मैं करा रही हूँ, आप सभी देख रहे हैं कि बहुत स्लो चल रही हूँ मैं, सिर्फ इसलिए कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से लर्न करके आगे आगे बढ़ें और कोई भी पीछे ना रह जाए बस। और जिन स्टूडेंट्स का अभी तक वर्क कंप्लीट नहीं है वो अपना वर्क भी कंप्लीट कर लो, और साथ साथ जो मैं थोड़ा थोड़ा ये वर्क करा रही हूँ इसको भी कंटिन्यू करते रहिए। तो आज मैंने सिर्फ थ्री टॉपिक्स कराए, कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक। आप इन तीनों पैराग्राफ्स को आज ही लर्न कर लीजिए, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि टाइपोग्राफी वाले स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आज ही इसको लर्न भी कर लेंगे। ओके, बाय।